गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लास। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स। अभी तक हमने पीछे पढ़े थे, सारे पढ़ लिए आपको बता, हाइड्रोफाइट्स, फिर क्या था हाइड्रोफाइट्स के बाद में टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट वाज नोन एज मेसोफाइट्स, उसके बाद में थे हमारे ज़ीरोफाइटिक, फिर एपीफाइटिक, अब हमारा फिफ्थ नंबर पे है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी, यानी जो दूसरों पे अपना जीवन जीते हैं। जैसे सम प्लांट्स लाइक डॉटर प्लांट होता है डॉटर प्लांट, या उसको हम कैस्क्यूटा कहते हैं, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट पे उगते हैं, एंड गेट सम वाटर फ्रॉम दैट प्लांट थ्रू स्पेशल रूट्स। और जो दूसरा प्लांट है उससे क्या करते हैं, वाटर लेते हैं उनके अपने स्पेशल रूट से। दीज प्लांट्स आर नोन एज पैरासिटिक प्लांट्स, और इनको क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, यानी परजीवी, यानी जो दूसरों पे जीवित हैं। द प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासाइट्स डिपेंड, और ये प्लांट्स जिन पे डिपेंड करते हैं, द प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासाइट्स, जो ये प्लांट्स हैं ये जिस पे डिपेंड करते हैं, यानी ये पैरासाइट हो गए, यानी ये दूसरों के ऊपर जीवित हैं तो ये खुद पैरासिटिक हो गए, आर नोन एज होस्ट प्लांट। जैसे अगर आपके घर आता है गेस्ट, तो वो तो होता है गेस्ट, और जो मेज़बान होता है यानी आप लोग होते हैं होस्ट, तो जो ये पैरासिटिक प्लांट्स हैं किस प्लांट पे जीवित रहते हैं, होस्ट प्लांट पे। द पैरासाइट स्पेंड इट्स होल लाइफ ऑन द होस्ट प्लांट, और ये जो पैरासाइट है, जो दूसरे प्लांट है, वो अपनी पूरी लाइफ जो होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये रहते हैं उसी पे ये क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ उसी पे बिता देते हैं। और नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमने हर्बीवोरस पढ़े थे, कार्निवोरस पढ़े हुए हैं, तो अब ये है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मीन्स जो इंसेक्ट खाते हैं। ऑल प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। मोस्ट प्लांट्स गेट दीज नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल, अब जितने भी मिनरल्स और सब होते हैं वो पौधों को कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से, मिट्टी से, तो मोस्ट प्लांट तो जो होते हैं वो सॉइल से लेते हैं, बट इन सम प्लेसेस, और कुछ जगह क्या होता है, द नाइट्रेट्स आर वेरी लो इन सॉइल, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पे नाइट्रेट्स बहुत कम होते हैं। सो द प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेसेस गेट देयर नाइट्रेट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स, तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपने नाइट्रेट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। कौन कौन से प्लांट हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंडो प्लांट एंड पिचर प्लांट। पिचर को तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घड़े जैसा है, सैंडो इसलिए क्योंकि सन के जैसा है, और वीनस फ्लाई ट्रैप ये क्या है, ट्रैप करता है, ये पकड़ लेता है। इन वीनस फ्लाई ट्रैप द लीव्स क्लोज लाइक अ बुक, अगर आपको एज ए पिक्चर में भी दिख रहा है कि जो लीव्स हैं वो क्या है, एक ट्रैप की तरह है, ट्रैप यानी एक पिंजरे की तरह, द लीव्स क्लोज लाइक अ बुक, और एक बुक की तरह क्लोज होती है आफ्टर द लैंडिंग ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे ही इंसेक्ट होता है यहाँ पे इन पत्तियों पे बैठता है तो वो क्या करता है, पत्तियों से ढक लेता है। इन पिचर प्लांट द लिड क्लोज आफ्टर द एंट्री ऑफ एन इंसेक्ट, और जो ये पिचर प्लांट है इसकी ये लिड है, जैसे ही यहाँ पे आके कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो ये पत्ती से इसको ढक देता है। इन सैंडो प्लांट्स लीफ हेयर दैट शाइन्स विद सनलाइट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड ट्रैप देम, और जो सनड्यू है उसमें ये जो आपको लीफ हेयर दिख रहे हैं, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे ही ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरह से इंसेक्ट करते हैं, और ये इनको क्या करता है, चिपका लेता है लीफ हेयर, और ये इसमें इनको ट्रैप कर लेता है। ओके, तो अभी हमने पढ़े पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी जो पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे होते हैं इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स खाते हैं। नाउ है सेप्रोफाइट्स, क्या है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई डो नॉट हैव क्लोरोफिल, अब जो सेप्रोफाइट्स हैं उनमें क्या होता है, ये फंजाई की तरह होते हैं, इनमें क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है वो नहीं होता। सो दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो जैसे कि आपने ये जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी, तो ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। जो ज़मीन में मरे सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसकी हेल्प से खाना बनाते हैं, जैसे एग्जांपल होता है मशरूम और माउस। मशरूम आपने जिसको आप लोग हिंदी में कुकुर मुट्टा भी कहते हैं, आपने देखा है ये कई बार मिट्टी में उग जाते हैं, खासकर बारिश के दिनों में ये उगे रहते हैं, और ये अपना
जो सड़ी गली चीज़ें, कई बार लकड़ी के ऊपर भी आपने इनको देखा है, तो इन लोगों लकड़ी के पीछे, अगर बारिश के दिनों में आपके घर में कोई पीछे पुरानी लकड़ी पड़ी रहती है उस पर भी देखा है आपने, मशरूम उग जाते हैं। तो ये अपना खाना किससे बनाते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, अलग अलग तरह के स्कैवेंजर्स, उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और हमने टोटल कितने टाइप्स के प्लांट पढ़े? 7 टाइप्स के। तो हमारा फर्स्ट, फिर से हम लोग अगर रिकॉल करें तो फर्स्ट हमारा कौन सा था? सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स के बाद में हमने क्या पढ़ लिया था? डेजर्ट वाला ज़ीरोफाइटिक। उसके बाद हम लोगों ने एपीफाइटिक पढ़ा। एपीफाइटिक के बाद में हमारा क्या था? पैरासिटिक प्लांट्स, जो होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। और सेप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपनी लाइफ पूरी बिता देते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स डू यू फाइंड इन ज़ीरोफाइट्स? जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें आपको पता है कि किस तरह के रूट्स होते हैं। तो इनके रूट्स कैसे होते हैं, एक एक पढ़ते हैं। रूट्स मतलब वेल डेवलप्ड। क्यों होते हैं वेल डेवलप्ड? ताकि वो अपनी रूट्स को दूर दूर तक फैला सके पानी की सर्च में। स्टेम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? लीव्स जो होती हैं वो इस तरह होती हैं। आपको स्टेम जो होती हैं वो मोटी, मतलब क्या होता है, वो स्टेम्स जो होती हैं वो स्टोर वाटर करती हैं। और जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं। ओके, व्हाट इज़ अ पैरासाइट प्लांट? अब पैरासाइट प्लांट क्या होता है? पैरासाइट प्लांट का होता है जो दूसरे प्लांट पे उगता है, है ना, जो दूसरे प्लांट से अपना पूरा ही डिपेंड करता है, उनको क्या कहते हैं? जो प्लांट दूसरे होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? अब इंसेक्टिवोरस कौन से होते हैं? जिनको नाइट्रेट्स चाहिए और वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। व्हाई डू दे नीड टू ट्रैप इंसेक्ट्स? अब वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं? क्योंकि जिस सॉइल में वो उगते हैं वहाँ पे नाइट्रेट्स नहीं होते, तो अपने नाइट्रेट्स की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। अब दो अगर हम एग्जांपल दें तो पिचर प्लांट और संजू। नेक्स्ट है, सेप्रोफाइट्स हैव नो क्लोरोफिल। अब आपको पता है जो सेप्रोफाइट्स हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सो हाउ डू दे गेट नरिशमेंट? अब सारे जो प्लांट्स हैं उनमें तो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं। लेकिन सेप्रोफाइट्स में तो क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? तो इसलिए ये अपना जो फूड है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे ये अपना सारा फूड बनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो हम लोगों का ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोग इस लेसन की अच्छे से थॉरली रीडिंग करिएगा। ओके, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।